दवा का असर हो जाना चाहिए था। अभी देखिए ना, ऐसा क्यों होता है? जब भी चाहता हूँ तो कि सब कुछ परफेक्ट हो, सब कुछ खराब हो जाता। ओह गॉड, ये कोल्ड। Ready to dazzle, miss? ये क्या आदमी? वो ठंडे पानी में नहाने की वजह से? Oh God. मैं इसके लिए शहद लेकर आती हूँ। नहीं राज, तुम दूर रहो मुझसे, वरना मेरी सर्दी तुम्हें भी लग जाएगी। और जो तो लग रहा है कि मुझे खुद की नजर लग गई है। देखो ना क्या हालत हो गई मेरी, अब क्या शोस्ट टॉपर बनूंगी। देखो अवनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हुँ? और अगर तुम नहीं चाहती हो ना, तो हम नीचे जाएंगे ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे राज, सब हमसे मिलना चाहते हैं। अब मैं ऐसे ही चलूंगी, जो है सो है। रिलैक्स, ठीक है, हम नीचे चलेंगे, ओके? तुम दो मिनट रुको, मैं आता हूँ। राज की विश थी कि मैं पार्टी में सबसे खूबसूरत थी, और मैं पूजा बेटा, आपने कुछ खाया? नहीं, मैं कुछ लेने गई थी पर वापस नहीं आई। अच्छा, आप यही रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बेचारी पूजा वहां भूखी बैठी है और तुम यहाँ मदर के खाना खा रही हो। मुर्गी की टांग, मुर्गी की टांग, तुम नॉनवेज खा रही हो? हाय हाय, मैंने छू लिया। हाय मेरे सांवरा, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। इस सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बाबूजी देखो, देखो बाबूजी, ये लोग यहाँ पे नॉनवेज खाना खिला रहे हैं। जब इन लोगों को पता है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो इन्होंने खाना रखा है क्यों ऐसा पार्टी में? सांवरी, मेहमानों के सामने इस तरह से बिहेव नहीं करते। जो भी कहना है आहिस्ता बोलो। और ऐसी बात तो नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है कि लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं? किसी ने तुम्हारे हाथ में नॉन वेजिटेरियन प्लेट पकड़ाई तो नहीं ना जबरदस्ती? और इतना चिल्लाओ मत, इट्स बैड मैनर्स। सुना आपने, बैड मैनर्स? ये मुझे मैनर्स सिखाएंगे? बस करो साहब। अरे ये इनकी पार्टी है, इनकी मर्जी से होगी ना। हमारी रस्मों पर विश्वास ना होते हुए भी इन्होंने हमारा साथ दिया, तो हमें भी इनका मान रखना चाहिए ना बेटा। पर बाबूजी, नॉनवेज? सांवरी, सही तो कहा उन्होंने, और वैसे भी यहाँ वेजिटेरियन खाना तो है, कोई किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर रहा नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए। आप भी? बस बेटा बस, चलो शांत हो जाओ। मेरा भाई गणेश आ रहे हैं। राज, मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे, तुम्हें भी सर्दी हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया, इसे पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं राज, सब चीजों से कुछ नहीं होगा, मेरी हालत और खराब हो रही। राज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं अवनी, पीने में कोई नुकसान है क्या? नहीं ना, मेरे लिए पी लो। नहीं राज, मुझे नहीं पीना, इससे क्या होगा जब दवाई से कुछ नहीं होगा। पियो इसे। बस अब तुम बेटर फील करोगी, ट्रस्ट मी। राज, तुम अपने के पास ही रुक जाओ, इसको अच्छा लगेगा। ये अपने का मेकअप कर देगी, फिर तुम दोनों इकट्ठे आना। जी। राज और अवनी कहाँ रह गए? बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दी ही आने वाले हैं। यकीन मानो या ना मानो, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अवनी। और तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे बनाए हुए काढ़े में जादू सा था। खांसी रुक गई, छींक कम हो गई, और अब सांस ले पा रही। थैंक यू कि तुमने जबरदस्ती मुझे पिलाया। चले, चले।
लीजिए आगे। बस बस, God bless you। अवनी तो सच में बहुत सुंदर लग रही है। राज, you sneezing? कुछ नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, don't worry। राज, तुम अभी तो ठीक थे, क्या हुआ? Actually, भावना जी, राज को ना इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। किसी को भी इसके पास नहीं आने देती हूँ जिसको कोल्ड होता है। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दो मिनट में ठीक हो जाऊंगा, ओके? Excuse me. मॉम, एक मिनट, मैं आती हूँ। अपनी ये मॉम भी ना ऐसे ही कुछ भी ऐसी नहीं। अच्छा, मेरी वजह से हुआ ये। मैंने कहा था ना दूर हो मुझसे। मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ अपनी? बस बस, तुम्हारी नाक लाल है, आंखों में से पानी आ रहा। देखो अपने आप को राज। क्यों देखो अपने आप को अपनी? जब मेरी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर मेरे सामने हो तो मैं तुम्हें ही देखूंगा ना। तुम्हें पता भी है तुम कैसी लग रही हो? एकदम परफेक्ट। और अगर आज तुम्हें परफेक्ट दिखने में हेल्प करने से मुझे हल्का सा कोल्ड हो जाता तो कोई बात नहीं अवनी। तुम खूबसूरत हो और हमेशा रहोगी। आज मैं अगर थोड़ा इम्परफेक्ट रह गया तो क्या फर्क पड़ता है? नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैच करने की कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। तुम कभी इम्परफेक्ट हो ही नहीं सकते। मेरी नजर से देखो, तुम परफेक्ट हो राज। और प्यार कैसी हो अर्पिता? I'm fine. आप कैसे हैं? I'm fine. तुम्हारा गाउन तो बड़ा ही प्यारा है। तुम्हारे इयररिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। वैसे अक्षत दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? बहुत ही प्यारी लाइफ पार्टनर मिली है आपको। जहाँ तक अर्पिता का सवाल है, सिर्फ बात इनकी ब्यूटी पे ही खत्म नहीं होती, बल्कि बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। मैंने इनकी पर्सनल डिजाइन देखी है, इट्स रियली फैबुलस। और हाँ, रोहित बता रहा था कि ज्वेलरी डिजाइन में इनका कोई जोड़ ही नहीं है। आई मीन मार्केट में इनका बहुत नाम होने वाला है। और आप सबको ये बात पता है कि रोहित को टैलेंट की बहुत अच्छे से पहचान है। हो सकता है प्रोफेशनली वो कल आपसे आगे निकल जाए, मिस्टर अर्पिता। बस बस, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। यू पीपल जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। नॉनसेंस। ये तो नाराज हो गए। हमें किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था। हमें तो लगा कि तुम्हारी तारीफ सुन के खुश हो जाएंगे। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी अक्षत के इस बिहेवियर के लिए। Excuse me. अक्षत, क्या तरीका है बात करने का? क्यों क्यों नहीं बोलूं मैं? क्या लगा रखा है इन लोगों ने? अर्पिता का हस्बैंड, अर्पिता का हस्बैंड, अब यही पहचान रखी है मेरी। इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है इसमें? क्या तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो? हाँ हाँ, तुम्हें तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा कि सब लोग मुझे तुम्हारा हस्बैंड कह रहे हैं, तुम्हें ऊंचा दर्जा दे रहे, मुझे नीचा दिखाकर। अक्षत, कैसी वाहियात बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी सोच ऐसी है? तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी अपने बलबूते पर यह मुकाम हासिल कर रही है, लेकिन इस बात से खुश होने के बजाय तुम इसे सुना रहे हो। अक्षत, आज से पहले हर बार अर्पिता को तुम्हारी पत्नी के रूप में लोगों से इंट्रोड्यूस कराए, तब तुम्हें इस बात से बुरा नहीं लगा, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए नॉर्मल है। और आज जब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, तुम बजाय खुश होने के अपने अहंकार में डूबे हो। I'm sorry, Dad. If you're really sorry, तो मुझसे नहीं, अर्पिता से कहो। It's okay, Akshay. Sorry की जरूरत नहीं। हेलो, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं तुम्हें सॉरी बोलने वाला हूँ। उल्टा तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी और तुम्हारे 2% की करियर की वजह से आज मुझे डैड से इतना कुछ सुनना पड़ा। तो मैं सिर्फ थैंक यू बोल सकता हूँ, क्योंकि आखिर तुमने डैड के सामने मुझे आज विलन बना ही दिया। वाह, क्या कमाल का ड्रामा किया है तुमने।
वाओ, तुम्हारी मंगेतर तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ये अवनी है, ये रीमा। तुम यहाँ क्यों आई? प्लीज पार्टी ना करो ना, प्लीज। अपनी मेरे वजह से क्यों ऐसा कर रही हो? मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं सुनते। देखो अभी तुम्हारी क्या है माँ, देखो ना, राज को मेरी वजह से कोल्ड हो गया। कितना ध्यान रखते तुम दोनों एक दूसरे का। भगवान करे तुम्हारा ये प्यार हमेशा बना रहे। मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तू राज के पास रुक, मैं लेके आती हूँ। चाचा जी नमस्ते। ओ अंजलि बेटी। हाँ। अरे ड्राइवर हमारे को ले आया था उम्मत गांव से, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं यहाँ पहचान ही नहीं पा रहा था किसी को। आपकी आंखें कैसी हैं अब? क्या आपकी आंखें कैसी हैं अब? ठीक है, थोड़ा चश्मे का आंकड़ा बढ़ गया है बस। आइए चलिए, मैं आपको अपने बेटे और होने वाली बहू से मिलवाती हूँ। आइए। साबरी कहाँ जा रहे हो बेटा? पाऊजी मुझे भूख लगी थी, सोचा बाहर जाके कुछ खा लूं। भूख लगी थी? अरे भाई यहाँ इतना कुछ खाने को है, जाओ और जाकर खा लो। पाऊजी यहाँ वेज नॉन वेज सब एक ही किचन में बना है, मैं यहाँ नहीं खा सकती। तुम्हें तो राई का पहाड़ बनाने की आदत है। अरे बेटा ये समझदार लोग हैं, इन्हें पता है कि मेहमानों में हमारे जैसे शाकाहारी भी हैं। वेज खाना घर के किचन में बना है और नॉन वेज जश्न के केटरिंग किचन में, समझ गई? जा जाकर खाना खा। राज अवनी चाचा जी, ये है मेरा बेटा राज और ये उसकी होने वाली पत्नी अवनी। नमस्ते। अवनी ये रामप्रसाद जी हैं, हम इन्हें चाचा जी कहते हैं। हमारे उमद गांव वाले पुराने घर की ये देखरेख करते हैं। क्या इसने क्या किया? नहीं चाचा जी, इसने कुछ नहीं किया। ये अवनी है, इसकी सगाई राज के साथ हुई है, मेरे बेटे के साथ। अच्छा ये है आपकी बहू? इनकी आंखों में बहुत प्यार देख रहा हूँ, बड़ी सुंदर छोरी है। अवनी वो तुम्हारी फेवरेट ड्रेस और ननिहाल का पानी वो इन्होंने ही भेजा था। चाचा जी थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना किया। अंजलि बिटिया के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। चाचा जी आप पार्टी में आए, आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। नेक देना है? नेक देने? लोग तुझे नेक देंगे या तू उनको देगी? तुझे किसको देना है? चाचा जी आए उमद गांव से, अंजलि मॉम के घर के केयरटेकर है। याद नहीं आ रहा इनसे कभी मिलना हुआ है या नहीं, लेकिन मैं उनके सामने जा नहीं सकती। सालों पहले जो उमद गांव में हुआ वो कोई भी इंसान नहीं भूल सकता। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो माँ एसी चल रहा है फिर भी आपको पसीना आ रहा है? पसीना नहीं आ रहा, वो पता नहीं
राज की ऐसी हालत देख के ना चिंता हो गई। अरे मिस, में तुम्हें लॉन्ग डालना भूल गई। तू एक काम कर, अपने पापा से नेक ले ले और तू उनको दिया। लेकिन माँ, मैं छोटी हूँ, मैं इसे अकेले दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो ना मेरे साथ, चलो। बाबूजी, बाबूजी, वो अंजलि जी के केयरटेकर आए उमद गांव से। अपनी उन्हें नेक देना चाहती है। आप देंगे तो अच्छा लगेगा, आप घर के बड़े हैं। हाँ, चलो बेटा, चलो चलो बेटा। तुम्हारी आंखों से डर साफ झलक रहा है, संभालो अपने आप को। बाबू जी, अगर इन्होंने मुझे देख लिया और पहचान लिया तो मैं क्या करूंगी? बेहतर होगा तुम उनसे दूर ही रहो, संभालो अपने आप को। जाओ यहां से, जाओ। एवरीवन अटेंशन प्लीज। अब राज और अवनी एक कपल डांस करेंगे, कैसे रहेगा जी? दूरियां कम हो जाएंगी ना बादशाह। जीजू, हम दोनों अकेले कैसे? ओ जी, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे मौजूद सारे कपल डांस करते हैं, तो आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट है, अपने अपने पार्टनर ढूंढ लीजिए। वो सोने कितने गई? वो सोने? अरे चलो ना। ये भावना कहाँ है? अंदर जा नहीं सकती। अगर उम्मत गांव के बुजुर्ग ने मुझे पहचान लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ये पार्टी मेरी बेटी के लिए है, मेरा वहां होना भी तो जरूरी है। भावना, आप यहां क्या कर रही हैं? आप ठीक है ना? जी मैं ठीक हूं। आप मुझसे छुपाइए मत, आप जानती हैं ना, आपकी शक्ल से मैं सब समझ जाता हूँ। अंदर बहुत भीड़ है ना, तो इसलिए थोड़ी घुटन फील हो रही थी, इसलिए सोचा यहाँ थोड़ी खुली हवा में खड़ी हो जाऊँ। समझ सकता हूँ, इन सब पार्टीज की आदत नहीं है आपको। काफी वक्त हो गया ना, इसलिए। और फिर सब कुछ इतना अलग अलग नया नया सा है ना, इसलिए। सच का भावना, वक्त कितना तेजी से बदल रहा है ना, और इस बदलते हुए वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना कितना मुश्किल है, और अतीत की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना कुछ आसान तो नहीं। लेकिन आप इतना परेशान क्यों रही हैं? मुझे देखे ना, मैं इस नए जमाने के साथ चलने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी पुरानी बातों की अहमियत नहीं भूला हूँ। और आप जानती हैं ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि आप मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा हैं जिसे मैं कभी भी भुलाना नहीं चाहता। अब ये आंसू किस लिए? आपने मुझसे आज से पहले ऐसी कोई बात की नहीं ना? हाँ, शायद मैंने आपसे आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको एहसास तो होगा कि मेरे मन में आपके लिए क्या था। हाँ, अगर नहीं है तो मैं आज इसी वक्त बता देता हूं। भावना, आप मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट है। आपकी ये अच्छाई, ये सच्चाई, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, ये आपका प्यार ही तो है जिसने मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर हौसला दिया। ये सिर्फ आपकी मासूमियत और दिल की पवित्रता ही तो है जिसने इस परिवार को और इस परिवार के लोगों को आज तक बांध के रखा है। मेरी जिंदगी की हर खुशी की वजह सिर्फ आप, और मैं प्लीज इतनी तारीफ मत कीजिए, मैं इस लायक नहीं हूं।
नहीं जानते आप मेरी सच्चाई, नहीं जानते आप मेरा अतीत। ये भावना पहले संगीता थी, और अगर संगीता का सच आपके सामने आ गया तो कहीं ये प्यार नफरत में ना बदल जाए।